नमस्कार विद्यार्थियों, पिछले लेक्चर में हमने हल्दीघाटी युद्ध, शाहबाज खां के अभियान और प्रताप का जो दिवेर आक्रमण हुआ था, प्रताप के द्वारा दिवेर के थाने पर जो आक्रमण किया गया था उसके विषय में हमने चर्चा की थी। और दिवेर आक्रमण के विषय में चर्चा करते हुए हमने यह भी बात की थी कि जो कर्नल जेम्स टॉड है उन्होंने दिवेर के युद्ध को मेवाड़ के मैराथन की संज्ञा दी है। इसके साथ साथ कर्नल जेम्स टॉड ने जो हल्दीघाटी का युद्ध हुआ उसे मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा है। इसके साथ साथ अबुल फजल ने इसे खमनोर का युद्ध और बदायूनी थे उन्होंने इसे गोगुंदा का युद्ध नाम दिया है हल्दीघाटी के युद्ध को। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि हल्दीघाटी युद्ध के विषय में यहाँ तीन जो विद्वान हैं वो अलग अलग नाम देते हैं। अबुल फजल इसे खमनोर का युद्ध, इसके साथ साथ बदायूनी इसे गोगुंदा का युद्ध और कर्नल जेम्स टॉड इसे मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहते हैं। और कर्नल जेम्स टॉड ने जो ये मैराथन का युद्ध कहा है या मेवाड़ का मैराथन कहा है दिवेर के युद्ध को। आगे आज हम बात कर रहे हैं प्रताप के विरुद्ध जो अकबर के द्वारा अंतिम मुगल अभियान भेजा गया था उसके विषय में। तो यहाँ पर देखिए, दिसंबर 1584 में जगन्नाथ कछवाहा के नेतृत्व में, जगन्नाथ जो कछवाहा था उसके नेतृत्व में अकबर ने प्रताप के विरुद्ध अंतिम मुगल अभियान भेजा था, परंतु इसमें भी उसको कोई सफलता नहीं मिली थी। तो यहाँ आगे देखते हैं कि हल्दीघाटी युद्ध के पश्चात प्रताप को पूरी तरह से कुचलने के लिए अकबर ने पहले शाहबाज खां को भेजा था और उसके बाद में दिसंबर 1584 में जगन्नाथ कछवाहा के नेतृत्व में प्रताप के विरुद्ध अंतिम अभियान, मुगल अभियान भेजा गया, परंतु यह भी असफल रहा था। और इसके पश्चात अकबर पश्चिमोत्तर जो समस्याएं थी उनमें उलझ गया था, तो प्रताप की ओर वो ज्यादा ध्यान नहीं दे पाया और 1585 के बाद प्रताप के विरुद्ध मुगल अभियान बंद हो गए थे। 1585 के बाद में मुगलों के द्वारा प्रताप का किसी प्रकार का कोई पीछा नहीं किया गया और उस ओर ध्यान भी नहीं दिया गया था। नेक्स्ट हम बात करें कि प्रताप ने हल्दीघाटी युद्ध के बाद चावंड को अपनी राजधानी बनाया था। यहाँ पर यह ध्यान देने योग्य है कि उदय सिंह के समय राजधानी गोगुंदा थी और जब प्रताप का राज्याभिषेक हुआ तो राज्याभिषेक के पश्चात प्रताप ने गोगुंदा से राजधानी को कुंभलगढ़ स्थानांतरित कर दिया और उसके पश्चात जब हल्दीघाटी का युद्ध हुआ तो हल्दीघाटी युद्ध के पश्चात कुंभलगढ़ से राजधानी बदल करके उसने चावंड को अपनी राजधानी बना लिया था। तो यहाँ पर यह ध्यान देने योग्य है। यहाँ पर पूछा जा सकता है आपसे कि हल्दीघाटी युद्ध के बाद प्रताप की राजधानी कौन सी थी या कौन सी राजधानी बनाई गई थी, तो चावंड को राजधानी बनाया गया था। आगे हम बात करेंगे चावंड में एक दिन धनुष की प्रत्यंचा खींचते हुए, धनुष की प्रत्यंचा जो डोर होती है धनुष के दूसरे छोर पर बांधते हुए वो छूट गई और उससे प्रताप घायल हो गया और 19 जनवरी 1597 को 57 वर्ष की आयु में प्रताप का देहांत हो गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि चावंड में ही प्रताप का देहांत हुआ 19 जनवरी 1597 को, इसका मतलब है कि 57 वर्ष की आयु में प्रताप का देहांत हो गया था। अब हम आगे बात कर रहे हैं कि चावंड से ढाई किलोमीटर दूर बंडोली गांव के निकट बहने वाले नाले के किनारे प्रताप का दाह संस्कार किया गया, अंतिम संस्कार किया गया था। यहां पर प्रताप का जो अंतिम समय था उसके विषय में हमने यहाँ चर्चा की। यद्यपि इसमें से कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं बनता, छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो उनको आपको ध्यान में रखना है कि राजधानी किसे बनाया था हल्दीघाटी युद्ध के पश्चात, और इसके साथ साथ हल्दीघाटी के बाद में चावंड के अंतर्गत धनुष की प्रत्यंचा खींचते वक्त घायल हो जाने से प्रताप की वही मृत्यु हो गई थी चावंड में ही 19 जनवरी 1597 को 57 वर्ष की आयु में, 1540 में इनका जन्म हुआ था। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है। इसके साथ साथ अंतिम जो संस्कार किया गया था वो कहाँ किया गया था, तो वो बंडोली गांव के निकट एक नाले के किनारे किया गया था। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं विद्वानों के संरक्षक के रूप में प्रताप, या हम कह सकते हैं कि प्रताप का हम मूल्यांकन कर रहे हैं। तो देखिए, प्रताप का मूल्यांकन जब हम करते हैं तो हम जानते हैं कि 1585 के बाद मुगल अभियान बंद हो गए थे प्रताप के विरुद्ध और 1597 में प्रताप की मृत्यु हुई। तो जो मुगल अभियान बंद हो गए थे ऐसे में प्रताप को 1585 से लेकर और 1597 के बीच में 12 वर्ष का समय शांति और स्वाधीनता का उपयोग करने का अवसर मिला था। तो
इस अवसर का लाभ उठाकर प्रताप ने मेवाड़ के अनेक क्षेत्रों को मुगलों से स्वाधीन करवा लिया था, स्वतंत्र करवा लिया था। और इसके साथ साथ प्रताप ने अपने विश्वसनीय जो अनुयायी थे उनमें जागीरें बांटकर वहां पर पुनर्निर्माण का कार्य जो था वो भी प्रारंभ करवाया था। तो यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम बात करें कि इस दौरान प्रताप ने अपनी जो राजधानी थी, इस समय के दौरान 12 वर्ष के दौरान उसने अपनी राजधानी चावंड के विकास पर बहुत अधिक ध्यान दिया और यहाँ अनेक महल और मंदिर भी बनवाए। इसके साथ साथ जीवधर की जो रचना है अमरसार, यहाँ पर ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि अमरसार किसकी रचना है, जीवधर की रचना है। एक नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। इसके अनुसार प्रताप ने ऐसा सुदृढ़ शासन स्थापित कर लिया था कि महिलाओं और बच्चों को भी किसी से भय नहीं रहा। प्रताप ने शिक्षा के प्रसार के प्रयत्न भी किए और इसके साथ साथ प्रताप ने यहाँ पर बहुत अधिक विकास कार्य करवाए थे। प्रताप ने अपने जीवन के जो अंतिम वर्ष चावंड में शांतिपूर्वक राज करते हुए व्यतीत किए थे और उसने व्यापार वाणिज्य कला साहित्य और संगीत को प्रोत्साहन दिया था। प्रताप के संरक्षण में रहते हुए चक्रपाणि मिश्र थे, उन्होंने संस्कृत के कुछ ग्रंथ लिखे थे। तीन प्रमुख ग्रंथ उनके राज्याभिषेक पद्धति, मुहूर्तमाला और विश्ववल्लभ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ध्यान में रखनी है कि चक्रपाणि मिश्र जो प्रताप के संरक्षण में थे विद्वान, उन्होंने संस्कृत ग्रंथों की रचना की थी, तीन संस्कृत ग्रंथों की, राज्याभिषेक पद्धति की, मुहूर्तमाला की और विश्ववल्लभ की। और ये क्रमशः अलग अलग विषयों से जुड़े हुए थे। राज्याभिषेक पद्धति जो थी वो गद्दी नशीनी अर्थात गद्दी पर बैठने से संबंधित ग्रंथ था, जिसके अंतर्गत गद्दी पर बैठते हुए कौन कौन से कार्य किए जाने चाहिए, किस प्रकार से जो है कार्यक्रम होने चाहिए उसमें, ये सभी इसमें दिया हुआ है। इसके साथ साथ मुहूर्तमाला में ज्योतिष शास्त्र के से संबंधित ये मुहूर्तमाला ग्रंथ है। और इसके साथ साथ जो विश्ववल्लभ है वो उद्यान विज्ञान पर आधारित है, अर्थात उद्यान के अंतर्गत किस प्रकार के पौधे पेड़ आदि लगाए जाने चाहिए, इन सब के विषय में इसमें विश्ववल्लभ में दिया गया है। तो यहाँ पर आपको ये तीनों ग्रंथ भी ध्यान रखने हैं किसके हैं और इसके साथ साथ ये किस विषय से संबंधित है, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। राज्याभिषेक पद्धति गद्दी नशीनी से पता ही चल रहा है, राज्याभिषेक पद्धति जब कोई शासक राजगद्दी पर बैठता है तो राज्याभिषेक होता है, तो यहाँ पर गद्दी नशीनी से संबंधित हो गई। मुहूर्तमाला मुहूर्त निकाला जाता है ज्योतिष शास्त्र में, तो ज्योतिष शास्त्र से संबंधित हो गया। और विश्ववल्लभ उद्यान विज्ञान से संबंधित हो गया, तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे हम बात कर रहे हैं कि प्रताप के राज्यकाल में भामाशाह के जो भाई थे ताराचंद, हम जानते हैं कि भामाशाह और उनके भाई ताराचंद ने प्रताप की आर्थिक सहायता की थी। तो ताराचंद की प्रेरणा से 1595 ईस्वी में हेमरत्न सूरी जो विद्वान थे उन्होंने गोरा बादल और पद्मिनी चौपाई नामक काव्य ग्रंथों की रचना की थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और सैनिकों में त्याग और बलिदान की जो भावना थी उसे उत्पन्न करने के लिए चारण कवि रामा सांधु और माला सांधु सदैव प्रताप के साथ रहा करते थे। यहाँ ये भी इम्पोर्टेंट है कि कौन से दो चारण कवि थे जो सैनिकों में उत्साह और जोश उत्पन्न करने के लिए अपने गीतों के माध्यम से वो जो प्रताप के साथ सदैव रहा करते थे वो कौन थे, रामा सांधु और माला सांधु। ये क्या काम करते थे, ये प्रताप की सेना में सैनिकों का उत्साह और जोश बनाए रखने के लिए वीरोचित गुणों का बखान करना या वीर रस से पूर्ण जो गीत आदि होते थे उनको गाना इनका कार्य था, ताकि सैनिकों में उत्साह और जोश बना रहे। तो यहाँ पर ये हमने आज ये प्रताप के थोड़े मूल्यांकन की बात की और इसके साथ साथ जो अंतिम अभियान हुआ था प्रताप के विरुद्ध मुगलों का उसके विषय में यहाँ चर्चा की। नेक्स्ट हम जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम प्रताप की कुछ चारित्रिक विशेषताओं के बारे में यहाँ बात करेंगे, यह भी इम्पोर्टेंट है। चारित्रिक विशेषताएं आपके नोट्स में शायद लिखवाई नहीं गई हैं तो वो आपको लिखवा दी जाएंगी। इसके साथ साथ ही हम वीर दुर्गादास राठौड़ एक बार फिर से मारवाड़ की राजनीति पर चलेंगे प्रताप का टॉपिक पूर्ण करने के पश्चात। धन्यवाद।